दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौकछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नवगछिया व्यवसायी हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी भी खाली। नया टोला के हार्डवेयर व्यवसायी पप्पू मंडल हत्या की घटना के बाद दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। व्यवसायी हत्याकांड में पुलिस स्तर से अब तक सिर्फ प्राथमिकी की प्रक्रिया पूरी की गई है। अपराधियों के गिरफ्तार नहीं होने से व्यवसायी के परिजन दहशत में है। इधर पुलिस के द्वारा पिछले दो दिनों से अपराधियों के गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अपराधियों को पकड़ने में पुलिस सफल नहीं हो पाई है। नौगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने कहा कि हत्याकांड मामले में पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। व्यवसायी हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों अपराधी जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, दोनों की पहचान हो चुकी है। दोनों को पुलिस अविलंब गिरफ्तार कर लेगी। नवगछिया नगर एफ पहुंचे एसपी एवं एसडीपीओ, ग्रामीणों ने किया पुलिस पदाधिकारी का अभिनंदन। एसपी ने कहा, गांव में सकारात्मक बदलाव लाना है, गांव की छोटी छोटी समस्याओं का होगा समाधान, पुलिस स्तर से आयोजित होते रहेंगे कार्यक्रम। बिहार पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के तहत नौगछिया आदर्श थाना क्षेत्र के नगरा गांव को गोद लिए जाने के बाद शुक्रवार को नौगछिया एसपी निधि रानी, एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती पहली बार नगरा गांव पहुंचे। नगरा के ग्रामीणों ने दोनों पुलिस पदाधिकारी का अभिनंदन किया एवं नगर पंचायत को गोद लिए जाने पर आभार प्रकट किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी निधि रानी ने कहा कि बिहार पुलिस सप्ताह के तहत इस वर्ष पुलिस मुख्यालय स्तर से हर जिले में पुलिस पदाधिकारी के द्वारा एक गांव को गोद लेने का निर्णय लिया गया है। गाँव को पुलिस द्वारा गोद लिए जाने का मुख्य मकसद यह है कि पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उस गाँव में एक सकारात्मक पहल कर एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। इसके तहत गाँव के हर छोटी समस्याओं, जिसे हम लोग बहुत बार अनदेखा कर देते हैं, कई बार हम लोगों को लगता है कि इन समस्याओं का समाधान डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, उन सभी समस्याओं के समाधान हेतु गांव में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर से आयोजित कैंप में मौके पर मामले का निष्पादन किया जाएगा। एसपी ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगरा गांव में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान महिला सुरक्षा से संबंधित कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम से पूर्व दोनों पुलिस पदाधिकारी को पुष्प गुच्छ अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने पल्लवी कुमारी, स्वाति कुमारी, आराधना कुमारी, सोनम कुमारी ने स्वागत गान गाकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मौके पर पंचायत के मुखिया भरत लाल पासवान, राम गोविंद सिंह, सरपंच शंभू सिंह, युवा शरद योगी, वीरेंद्र सिंह, निरंजन मंडल, अशोक बाबू, सियासरन पोद्दार, सुंदर प्रसाद सिंह, छात्रा स्मृति सिंह, देवनारायण सिंह, वीरेंद्र सिंह, परविंदर सिंह, रविंदर सिंह, संजय सिंह, देवनारायण सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल हुए। उस गांव में हम लोग कुछ सकारात्मक बदलाव ला सके, इसका उद्देश्य सिर्फ एक बार आना या यहां पर आप लोगों से मिलना जुलना, एक कार्यक्रम कर लेना मात्र नहीं है। गांव को गोद लेने के पीछे उद्देश्य जो है वो ये है कि हम लोग आप लोगों से रूबरू हो, गांव से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसमें पुलिस किस प्रकार से सहयोग करे कि उन समस्याओं का निपटारा हो सके, उन समस्याओं का कोई समाधान निकल सके। महिलाओं से जुड़े हुए अपराध आज के समय में जो साइबर ऑफेंसेस हैं, जो कि अगर आपको सीधे शब्दों में समझाएं तो कोई कहीं दूर बैठा हुआ व्यक्ति किसी ग्रामीण को, किसी नौकरी करने वाले को, किसी शरीफ व्यक्ति को फोन करता है और अपने बातों में इस तरीके से फंसाता है कि उनको लगता है कि जो फोन करने वाला है वो किसी न किसी बैंक का कर्मचारी है, या बैंक से ही हमको फोन आया है, या जो फोन करने वाला है वो कोई सरकारी कर्मचारी है और वो आपसे, आपके अकाउंट से संबंधित, आपके जो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उससे संबंधित, आपके पास जो कार्ड रहता है उससे संबंधित सब जानकारी आपसे ले लेता है और फिर जो आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं उनको मिनटों में जो है वो अपने खाते में या किसी और माध्यम से आपके खाते से ट्रांसफर कर देता है। तो इस प्रकार के अपराध आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उससे ऐसे अपराधों से भी जागरूक करने के लिए, महिला सुरक्षा से संबंधित कुछ कार्यक्रम करने के लिए और जो
माननीय मुख्यमंत्री जी की एक नई योजना जो अभी चली है बिहार सरकार की जय जीवन हरियाली, उसके तहत भी काम करने के लिए हम लोग इसमें प्रयास करेंगे इस साल में। जो इसका प्रारूप रहेगा इस प्रकार से हम लोग गाँव में क्या क्या हम लोग कार्यक्रम करेंगे उस संबंध में हम लोग जो भी युवा लोग हम लोगों ने नगरह गांव को गोद दिया है तो उसी में आज हम लोगों ने कार्यक्रम यहां पे किया था जिसमें हम लोगों को ग्रामीणों की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला है। काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं और ग्रामीण महिलाएं भी इसमें आई थी कार्यक्रम में। जो भी गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं उन लोगों से भी हम लोगों को काफ़ी सहयोग मिला है और उनकी तरफ से उम्मीद है कि आगे भी जो हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं उसमें हम लोगों को सहयोग मिलेगा। आने वाले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम लोग एक वाद विवाद प्रतियोगिता का महिला सशक्तिकरण के विषय पर गांव में आयोजित कर रहे हैं और उसी दिन हम लोग एक कार्यशाला भी रखेंगे महिला सुरक्षा से संबंधित, तो उम्मीद है कि उसमें भी हम लोगों को काफ़ी सहयोग मिलेगा और हम लोगों का वो कार्यक्रम भी सफल रहेगा। नवगछिया पैथोलॉजी संचालक के घर ताला तोड़कर लाखों के सामानों की चोरी। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में शुक्रवार को दिन दहाड़े पैथोलॉजी संचालक राजेश सिंह के घर अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घर में चोरी होने के संदर्भ में राजेश कुमार सिंह ने नवगछिया थाना में अज्ञात चोरों के द्वारा घर में चोरी करने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। दिए आवेदन में उन्होंने बताया कि चोरों ने उनके घर में ताला तोड़कर घर में रखे कंप्यूटर, पैथोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री मशीन सहित कई अन्य उपकरण की चोरी की है। उन्होंने चोरी हुए उपकरणों की कीमत 2 लाख रुपए के आसपास होने की बात कही है। वहीं नवगछिया थानाध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने कहा कि घटना के संदर्भ में आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नवगछिया रसायन विभाग ने नेशनल साइंस डे पर किया सेमिनार। नवगछिया के मदनहिया महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को नेशनल साइंस डे रसायन विभाग द्वारा मनाया गया। इंडियन केमिकल सोसाइटी के अंतर्गत वुमेन इन साइंस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कुमारी सुदामा यादव ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अनिल कुमार मंडल ने किया। सेमिनार में विज्ञान की महत्ता एवं विज्ञान में महिलाओं की भूमिका पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। विज्ञान संकाय की छात्रा पूजा, स्वाति, स्मृति, मौसम, जया, रिमझिम, काजल, सोनी, जूही सहित कई छात्राओं ने भी अपना वक्तव्य रखा। मौके पर डॉक्टर सुशील कुमार मंडल, अरुण झा, डॉक्टर प्रेम शिलासरन, डॉक्टर सीता भगत, अवधेश कुमार सानू, हिमांशु शेखर मिश्र, डॉक्टर आरती कुमारी सहित सभी प्राध्यापक एवं छात्राएं मौजूद थे। नवगछिया चाकू मारकर युवक को किया घायल। नवगछिया स्टेशन चौक पर शुक्रवार को दिन के 11 बजे स्कूल से बच्चे को छोड़कर लौट रहे नया टोला के 21 वर्षीय युवक अमन कुमार को नवगछिया थाना क्षेत्र के मील टोला निवासी कन्हैया कुमार ने अमन पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक कन्हैया कुमार को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद फिर आरोपी को GRP थाना पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं घायल हुए युवक को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने घायल अमन का इलाज किया। बाइक से आए थे, मैं छोटी बहन को स्कूल छोड़ के, तो हमको हाथ दे के पहले गाली दिया, तो हम बोले क्या बात है, तो हमको बोल रहा था कि मेरा पैसा बाकी है आपको, तो हम बोले किस चीज का पैसा, इतने में जो है वो चैन था सिक्कर वाला, उससे पहले यहाँ मारा, उसके बाद हमको नीचे खींच के लड़ाई मारा तो बहुत, यहाँ दांत काट दिया, तब हम भी एक दो थप मारे, तब तक मैं वो चाकू निकाल के यहाँ लगा दिया। कौन था वो? नहीं पता, उसको पकड़ा हुआ है। कितने लोग था? अकेले था, वो दारू पिया हुआ था। आप कहाँ से आ रहे थे? स्कूल से, बाल भारती स्कूल। किनको पहुँचाते? अपनी छोटी बहन को पहुँचाने के। क्या नाम हुआ? घर कहाँ हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा अमन कुमार। पिता? अभिषेक राय। जो आपको आपके ऊपर हमला किया उसका पहचानते हैं? चेहरा। कहाँ का रहने वाला है? ये उतार के हमको हमसे पाप झगड़ा करने लगा। पहले से नहीं जान रहे हैं उसको? भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 9वीं तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934
9534 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। नौगछिया अनुमंडल एवं भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। अब पैसा नहीं बनेगा आपकी पढ़ाई में बाधक। आपके भविष्य की चिंता करने के लिए नौगछिया की धरती पर आ गया है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो आपके उच्चतर शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज का चयन करवाती है और आपको उच्चतर शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। BEd, DLed एवं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA इत्यादि कोर्स में नामांकन के लिए संपर्क जरूर करें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसी भी कॉलेज में निःशुल्क रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था करवाई जाती है। हमारा पता है उच्च विद्यालय नौगछिया के समीप नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 8873-973-680-8298-956-905। आवासीय आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक की पढ़ाई CBSE पैटर्न। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी सुयोग्य शिक्षकों द्वारा। छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था। कंप्यूटर शिक्षा की अलग से व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ है। लगातार स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर अनुमंडल में भव्य झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित। संपर्क सूत्र 9934-26-14-37। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नौगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586। 8294-85-5586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है नवगछिया। नवगछिया से 61 श्याम भक्तों का जत्था खाटू धाम गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन से हुए रवाना। नौगछिया से श्री श्याम भक्त मंडल के तत्वाधान में शुक्रवार को नौगछिया से 61 श्याम भक्तों का जत्था गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन से खाटू धाम राजस्थान के लिए रवाना हो गए। बताते चलें कि खाटू धाम में लगने वाले फागुनी महोत्सव में यह भक्त रिंगस से 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर हाथों में निशान लेकर नाचते झूमते गाते अबीर गुलाल उड़ाते हुए खाटू श्याम मंदिर में अपना निशान अर्पित करेंगे। भक्तों को ट्रेन में चढ़ाने के लिए नौगछिया से सभी श्याम भक्त मंडल के सदस्य नौगछिया स्टेशन पहुंचे। नौगछिया स्टेशन पर श्री श्याम प्रेमी का जनसैलाब उमड़ पड़ा था और सभी भक्त जय श्री श्याम के नारे लगा रहे थे। पूरा रेलवे स्टेशन श्री श्याम नाम के जयकारे से गुंजायमान हो गया था।